भारती को और आप सबके इस गुरु माता पिता को और बहुत सारा प्यार बच्चों को, सब लोगों को सुबह की राम राम। ठीक है भाई, सुबह सुबह सब लोग राम राम जरूर कहा कीजिए, वो भी जोर से उच्च स्वर में, एक दूसरे को भी क्या कीजिए, और मैं भी आपको करता हूँ, आप मुझे भी क्या कीजिए। खुशियां आती हैं इन छोटी छोटी सी बातों से, खुशियां आती हैं, घर जुड़ने लगते हैं, चैतन्यता आती है, उत्साह आता है, ऊर्जा बढ़ जाती है। इसलिए राम राम जरूर किया कीजिए। कुछ लोगों की त्वचा तैलीय है, कुछ की खुश्क रहती है, कुछ की आंखें तेज रहती हैं, कुछ का चेहरा मुरझाया रहता है। क्यों? ये उपाय करेंगे आप तो एकदम आकर्षक दिखने लग जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, आपके अंदर की ऊर्जा और उत्साह आपके चेहरे को आकर्षक बना देती है। जरूरी नहीं फीचर्स बहुत शार्प हो, जरूरी नहीं कि रंग गोरा हो, जरूरी यह है कि जो है उसे आप कितने अच्छे से कैरी करते हैं। अब जैसे जिन लोगों की त्वचा खुश्क रहती है उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें दूध लगाना चाहिए अपने शरीर पर। जी हाँ, कौन सा दूध लगाना चाहिए? गाय का, और जिसमें चिकनाई हो, चिकनाई निकाली नहीं गई हो, सेपरेटेड ना हो, वो वाला दूध अपने शरीर पर लगाना चाहिए। त्वचा का जो रूखापन दिखाई देने लगता है वो नहीं दिखाई देगा। वैसे भी अभी तो अप्रैल तक त्वचा के खुश्क रहने का दौर चल ही रहा है, तो अभी ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, खिलती हुई त्वचा जो है ये आपको आकर्षक बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है, और रूखी त्वचा या रूखा चेहरा लेकर जब आप किसी के सामने जाते हैं तो प्रभाव नहीं छोड़ते हैं आप। और देखिए, मैं ये मानता हूं कि प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन आपकी ड्रेस का भी होता है, आपका शरीर का भी होता है, आपकी भाषा का भी होता है, आपके ज्ञान का भी होता है। तो आपको अच्छा प्रेजेंटेशन सीखना होगा, उसके लिए सबसे पहले त्वचा का ध्यान दीजिए। ऐसे ही कुछ लोगों की त्वचा बहुत तैलीय होती है, इन्हें क्या करना चाहिए? गुलाब जल, और ये भी प्योर मिल जाए तो क्या कहने, प्योर गुलाब जल खूब सारा अपने शरीर पे लगाएं, 2 से 3 मिनट का काम है मात्र। और ये दिन में 2 बार कर लिया करें, सुबह जब काम पे निकले या बाथरूम में जब आप होते हैं, और रात को। देखिएगा धीरे धीरे जो त्वचा तैलीय होकर वो अच्छी नहीं लगती है, कभी इधर चमकती है कभी उधर चमकती है, वह खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 2 कार्य आप कर लीजिएगा। अरे मैं बहुत सारे कार्य ऐसे बताने वाला हूं, जैसे आंखों के नीचे काले गड्ढे अगर आ रहे हैं ये तो अच्छी बात नहीं है ना, या आंखें यदि आपकी निस्तेज हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेष राशि, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए। मेष राशि, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, खासतौर से शाम 5 बजे तक का समय रुके हुए कार्य को पूर्ण करने के लिए बेहद अच्छा है। आप रुके हुए धन को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न कर सकते हैं, किसी को उधार दे दिया वो धन नहीं दे रहा है तो उससे इस दिन बातचीत कर सकते हैं। और यदि आपकी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट अपनी पढ़ाई लिखाई का, तो वह भी इस दिन आप सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो वक्त है ये अच्छा है और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, यह दिन रिश्तों को लेकर अच्छा नहीं कहा जा सकता, रिश्ते बनाए रखने के लिए प्रयत्न कीजिएगा। एक उपाय, सिर्फ एक उपाय इस दिन आपने करना है, दूध का दान देना है, बाकी सब ठीक होगा। वृषभ राशि, आप पर आपके जीवन साथी का प्रभाव इस दिन बहुत रहेगा, या जिनसे आप प्रेम करते हैं उनका बहुत प्रभाव रहेगा, या आपके पार्टनर का आप पर बहुत प्रभाव रहेगा। कुल मिलाकर ये दिन अच्छा है, दूसरों की मदद से, किसी की मदद से आप कुछ कार्य अच्छे से कर जाएंगे। हाँ, भागदौड़ और तनाव अवश्य बना रहेगा। सावधानी, इस दिन आपको भोजन संबंधी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, साथ ही साथ जो बोले सो बहुत सोच समझ कर बोले, आपकी वाणी से कोई आहत हो सकता है। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से बीते और आपकी प्रतिष्ठा खूब अच्छी हो, इसके लिए अभी सूर्य को जल दीजिए, प्रणाम कीजिए सूर्यदेव को, और उसके बाद निकल जाइए अपने काम पर, सब अच्छा होगा। मिथुन राशि, दिन थोड़ा सा कमजोर है स्वास्थ्य को लेकर और रिश्तों को लेकर, बाकी धन संबंधी समस्याओं का निराकरण हो सकता है, वाद विवाद भी आप इस दिन जीत सकते हैं, बेहतर हो सकती है सिचुएशन, हो सकता है शत्रु भी आपकी इस दिन निंदा ना करे, लेकिन रिश्तों को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। सावधानी,
इस दिन दो सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। एक तो भोजन संबंधी सावधानी रखनी बहुत ज्यादा आवश्यक है, दूसरी सावधानी यदि आप भाग दौड़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उपाय, दिन को बहुत बेहतर बनाने के लिए अनाज का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा, याद से सब ठीक होगा। कर्क राशि, ये दिन आपके लिए काफी अच्छा सिद्ध हो सकता है, किसी की मदद से कोई विशेष कार्य भी आपका हल हो सकता है, प्रशासन से या सरकार से जुड़े हुए लोगों से आपकी बातचीत होगी, कुल मिला के आगे बढ़ने वाला ये दिन है। सावधानी, इस दिन प्रतिष्ठा को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ऐसा कोई शत्रु जो छुपा हुआ है यानी मित्र के भेष में है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उपाय, ये दिन बहुत अच्छा हो इसलिए यदि संभव हो सके तो सरसों का दान या सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। ताली क्यों बजा रहा हूं पता है? ताली बजाने से हथेलियों के बीच में कुछ होता है। क्या होता है? दबाव पड़ता है। इस तरीके से ये देख रहे हैं, जब हमने यू किया, देखिए स्लो मोशन में करता हूं मैं आपके साथ, और ये तो ये हिस्से पे दबाव पड़ता है, इसलिए इस प्रकार से ताली बजाने से, या आप ताली नहीं बजा सकते हैं तो इस प्रकार से अपनी हथेलियों को दबाने से, अंगूठे से आप दबा सकते हैं, कलम से आप दबा सकते हैं, किसी अन्य चीज से भी आप दबा सकते हैं, ऐसा करने से आपकी सुंदरता बढ़ती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। एक बात का ध्यान रखिए, और खास तौर से वो लोग जो कृत्रिम रूप से सुंदरता बढ़ाते हैं, यानी बहुत ज्यादा मेकअप करते हैं या वगैरह वगैरह, इसे आपको एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा मेकअप करने से कोई बहुत ज्यादा लाभ होता नहीं है, साफ पता चलता है। इसलिए कृत्रिम रूप से सुंदरता बढ़ाने की बजाय आप आकर्षक बनिए। अगर ये इसके साथ साथ आप इतने हिस्से पे तेल लगाकर इस तरीके से आप मालिश करते हैं, ये ना यह नामिका उंगली, ये ऐसे करके आप मालिश करते हैं दोनों हाथों की 5-7 मिनट, तो आपकी आंखें बहुत विशेष हो सकती हैं। लंबे समय तक करना पड़ेगा एक साथ, लेकिन आपकी आंखें तो विशेष हो जाएंगी, आपका चेहरा बहुत आकर्षक लगने लगेगा। इसलिए हथेली पर इस तरीके से दबाव डाला कीजिए या इस प्रकार से आप ताली बजाया कीजिएगा। कभी कभी शरीर बिल्कुल कांति खो देता है, क्या करना है इसे मैं बताता हूं अभी, लेकिन सिंह कन्या तुला और वृश्चिक राशि का हाल बता देता हूं। सिंह राशि, ये दिन थोड़ा संभल के चलने वाला है क्योंकि इस दिन में स्वास्थ्य भी आपका कमजोर है और बीच बीच में मनोबल टूटता रहेगा। इस दिन आप एग्रेसिव हैं और इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी से झगड़ा मोल ले लें, कहीं वाद विवाद में उलझ जाएं। सावधानी, स्वास्थ्य की दृष्टि से गरिष्ठ भोजन या बासी भोजन खाने से आपको बचना होगा, नहीं तो परेशानी उत्पन्न हो सकती है और वाद विवाद में उलझने से बचें और उपाय कर लें। उपाय क्या है? दिन में कई बार जहां मौका मिले ऐसे कर लिया कीजिए, मन आपका बेहद शांत रहेगा और दिन अच्छा गुजरेगा। कन्या राशि, गलत डिसीजन की वजह से सुख में कमी आ सकती है और माताजी से मतभेद हो सकते हैं या माताजी के स्वास्थ्य को लेकर भी ये दिन थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है। इस दिन कोई मित्र संकट उत्पन्न या समस्या उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा ध्यान से चलिएगा, एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन अपने वाहन का बहुत ध्यान रखें, जहां उसको खड़ा रखें वहां भी ध्यान रखें, उसकी अच्छे से केयर कर लें, कहीं ऐसा ना हो वाहन आपके धन का नुकसान करे। उपाय, ये दिन बढ़िया से बीते इसके लिए हरी मूंग की दाल का दान अवश्य कर दीजिएगा, प्रभु सब ठीक कर देंगे। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा सिद्ध हो सकता है, इस दिन आप मेहनत कीजिए, दौड़ भाग कीजिए, विद्यार्थियों के लिए भी दिन काफी अच्छा सिद्ध होगा। इस दिन आपको बड़े बुजुर्ग लोगों का सानिध्य सहयोग प्राप्त होगा। एक सावधानी, इस दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अपना भी ध्यान रखिएगा, अपने घर के बुजुर्गों का भी ध्यान रखिएगा, विशेषकर पिता का। उपाय, ये दिन बहुत अच्छे से बीते इसके लिए अनार खाइए खिलाइए, तो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, ये दिन आपको भाग्य प्रदान कर रहा है इसलिए आप खूब मेहनत से अपना कार्य कीजिएगा। इस दिन शत्रु शांत होंगे, बाधाएं शांत होंगी, वाद विवाद से आपको मुक्ति मिल सकती है, और ये जरूर है कि धन बहुत नहीं आएगा लेकिन धन आने का कोई रास्ता बन सकता है, प्रमोशन या यात्रा का योग भी इस दिन बन रहा है। एक सावधानी, इस दिन अपने सर का बहुत ध्यान रखिएगा, पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय, पहली चीज तो इस दिन भोजन बहुत सोच समझ कर करें, बेहद सादा सुपाच्य करें, और दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है इस दिन लाल धागा दाहिनी कलाई में अवश्य पहने।
अब सुनिए दो चार और तरीके जो आपको बना सकते हैं बेहद आकर्षक, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप आकर्षक नहीं दिखेंगे। आकर्षक दिखने के लिए स्वास्थ्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है, मन का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए यह उपाय जरूर करें, और वह उपाय है सूर्य के सामने खड़े होना। यदि सूर्य नहीं दिख रहा है किसी कारण से तो थोड़ी देर अग्नि के पास बैठ जाइए। जब बैठेंगे तो यज्ञ भी कर लीजिएगा। सूर्य के सामने जो लोग खड़े होते हैं, कौन से सूर्य के सामने, बिल्कुल जब उगरा होता है उसके एक घंटे के अंदर अंदर बस, उस समय जो सूर्य के सामने खड़े होते हैं सूर्य नमस्कार कर लेते हैं या प्राणायाम कर लेते हैं, उनके शरीर में ओज आना शुरू हो जाता है। मैं आपको सूर्य क्रिया तो टेलीविजन के माध्यम से नहीं सिखा सकता, लेकिन सूर्य क्रियाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये आपकी वाणी में ओज देती हैं, ये आपके मन में प्रखरता और शांति भी देती हैं, और साथ ही साथ आपको प्रेम करना सिखाती हैं। और जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता वो मनुष्य नहीं है। प्रेम कौन कर सकता है, उसका मन शांत हो। मन शांत होने से आप आकर्षक दिखेंगे। आपकी जो पीस ऑफ माइंड होती है वो आपके चेहरे को सदैव बच्चे जैसा बना के रखती है। जब आप प्रेम करते हैं, सुहृदय होते हैं, तो आपके चेहरे पर एक बच्चे जैसा भाव आ जाता है। सूर्य से विटामिन डी को प्राप्त कीजिए, आप आकर्षक दिखने लगेंगे। बहुत सारे लोगों का शरीर निस्तेज दिखता है जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनके अंदर होती है। इसलिए विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जो वो काटे वाला होता है ना, फोटोरिस्ट, एक्यूप्रेशर के यहां से, एक्यूप्रेशर की दुकान से मिल जाता है। सूर्य के सामने जब आप खड़ी हैं, जब खड़ी हैं, उसको रख लीजिए और उस पर वन टू पांच मिनट तक कदमताल कर दीजिए, और देखिएगा कि अद्भुत रूप से तीन चार महीने के अंदर आपका आकर्षण बढ़ने लगेगा। लोग बताएंगे इसे तो ना, और कौन से लोग जो कभी कभी मिलते हैं वो बताएंगे, कुछ क्या कर रहे हैं आजकल, कुछ बढ़िया लग रहा है। ये होना शुरू हो जाएगा। जो लोग सडनली किसी बीमारी या किसी कारण से तेज खो रहे हैं वो दो कार्य करें। पहला तो यह है कि तांबे के गिलास में जल पीना शुरू करें, और वह भी थोड़ी देर रखकर, और दूसरी चीज है अंगूठे में तांबे का छल्ला डाल लें, तो वह अपना खोया हुआ प्रताप पुनः प्राप्त करना शुरू कर देंगे। अनार की जड़ भी होती है, अनार की जड़ को लाल धागे में बांधकर यदि आप पहनते हैं और बृहस्पति के दिन, तो भी बहुत लाभ मिलता है, और आप आकर्षक दिखते, हैंडसम ब्यूटीफुल के साथ साथ आप अट्रैक्टिव होते चले जाते हैं। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं, उसके बाद देखिएगा मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण टिप बताने वाला हूं। देखिएगा इंटरव्यू में जब आप जाकर बैठेंगे ना किसी के सामने, एकदम प्रभावित हो जाएगा वो आपसे। धनु राशि, आप अपनी वजह से, अपनी सोच से, अपने कृत्य से अपने भाग्य को इस दिन कमजोर कर रहे हैं। बहुत सोच समझकर चलने की जरूरत है। शिक्षकों से, गुरु से, घर के बुजुर्गों से या छोटे बच्चों से आपका मतभेद हो सकता है, जिसकी वजह से आपका इंप्रेशन उनपे से खराब हो जाएगा और कई दिनों तक खराब रह सकता है। तो कोशिश करें चीजें बेहतर आपसे हो सके। एक सावधानी, इस दिन वाहन को लेकर सावधान रहना और निवेश को लेकर अति सावधान रहना, और साथ ही साथ इस दिन यदि हो सके तो बदलाव मत कीजिएगा नौकरी में या बिजनेस में। उपाय, दिन बेहतर बनाने के लिए गाय गुरु मंदिर की सेवा कीजिए, अथवा गाय को आप गुड़ खिला दीजिए, सब अच्छा होगा। मकर राशि, घर से कोई परेशानी आ सकती है, घर पर कोई नाराज हो सकता है या घर पर मतभेद उभर सकते हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो, एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा। इस दिन पास पड़ोस से अपने संबंध बनाते समय थोड़ा ध्यान रखें, या पास पड़ोस से संबंध निभाते समय भी इस दिन थोड़ा ध्यान रखें, कहीं कोई परेशानी ना हो जाए जिसकी वजह से फिर आपको कुछ झेलना पड़े। सावधानी, वाहन चलाने को लेकर यह दिन बहुत अच्छा नहीं है, और जोश में होश मत खोइएगा इस दिन, ये ध्यान रखिएगा, अन्यथा ये संबंध के साथ साथ धन का भी नुकसान कर सकता है, शरीर का भी नुकसान कर सकता है। उपाय, दिन बढ़िया से बीते इसके लिए आज आप उड़द मत खाइएगा, उड़द का दान कर दीजिएगा, सरसों के तेल और उड़द का साथ साथ दान कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ ठीक है। कुंभ राशि, ये दिन अच्छा है आपके लिए,
आप प्रतिष्ठा से संबंधित, अपनी नौकरी से संबंधित, अपने व्यापार से, दोस्ती से संबंधित कार्य कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। हाँ, इतना जरूर है कि दौड़ भाग हो सकती है और उसकी वजह से कुछ आप अव्यवस्थित सा महसूस करेंगे और थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन, भ्रम, थकन, ऐसी चीजें महसूस करेंगे। सावधानी, इस दिन छोटे भाई बहनों से या उस समान कुछ लोगों से आपका मतभेद ना हो, इस बात का ध्यान रखें। उपाय, तुमको बेहतर बनाने के लिए दूध का दान अवश्य करें। मीन राशि, यह दिन वाद विवाद को लेकर थोड़ा परेशान करने वाला है, कहीं किसी वाद विवाद में मत उलझ जाइएगा, नहीं तो ये कई दिनों तक परेशानी देगा। स्वास्थ्य को लेकर भी ये दिन थोड़ा सा कमजोर है, परंतु धन के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है, रिश्ते बनाने के लिए भी ये दिन अच्छा है। कोई भूला बिसरा आपको याद कर सकता है, उसकी वजह से आपको आनंद और उत्साह मिलेगा, लाभ भी मिल सकता है। कुल मिला के दिन है तो अच्छा, बस ये सावधानी रखिए। इस दिन यदि कोई आपको क्रोध दिलाने का प्रयत्न भी करे तो आप क्रोधित नहीं होंगे, और साथ ही साथ यदि कोई आपको कहीं चलने या निवेश करने के लिए कहे तो अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा, मन को शांत रखकर तब काम कीजिएगा, अन्यथा नुकसान होगा। एक छोटा सा उपाय कर लें, इस दिन आप दूध और हल्दी का सेवन कर लीजिएगा, सब ठीक होगा। तो शरीर में कुछ विशेष ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को सम्मोहित कर ले, सकारात्मक रूप से, बताऊंगा ब्रेक से आने के बाद। अगर दे ब्रेक के बाद, और आप हमें से कुछ लोगों का जन्मदिन है तो पहले करिए जरा जोरदार तरीके से विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। जिन लोगों का जन्मदिन है, ये 12 महीने सोना है, समझ लिए, एक एक सेकंड आपको चुन चुन कर चलना है, कुछ भी गिरने नहीं देना है। इन 12 महीने में कुछ नया विशेष होने जा रहा है, भाग्योदय हो जाएगा, इसी महीने कुछ नया कार्य करेंगे, बड़ा कार्य करेंगे। ये ठीक है कि कुछ परेशानियां जो थी वह नुकसान तो दे देंगी आपको, लेकिन अप्रैल, उसके बाद जून और उसके बाद सितंबर और दिसंबर, ये जो वक्त है यह आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा। वैसे मोटे तौर से जून से अगस्त के बीच में कहीं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिल सकती है, तो कुल मिला के आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। पीछे कुछ छूटने वाला है ही है, ये तो तय है, कुछ छूट जाएगा, कुछ नुकसान हो सकता है, लेकिन उदास मत होइएगा, क्योंकि कुछ नई चीजें आपका इंतजार कर रही है। तो गो अहेड, भाग्योदय का आनंद लीजिए, विश यू ऑल द बेस्ट, और ये उपाय करते जरूर रहिएगा। उपाय इसलिए करने हैं कि आप दुखी ना हो जाए और आपको कोई रोग या चोट ना हो जाए। आपको हर सोमवार ओम रुद्राय नमः का 108 बार जप करना ही करना है, 12 के 12 महीने बस, या फिर हनुमान चालीसा रोज पढ़ लिया कीजिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे कर लीजिए, ये 12 महीने करना ही है। और गुरुवार, आपका शरीर यदि इस प्रकार का है या आंखें इस प्रकार की हैं, जो जिसमें तेज नहीं, निस्तेज आंखें हैं, आंखें कुछ बोल नहीं रही हैं, आंखें मुस्कुराती भी नहीं है आपकी, तो आप में अट्रैक्शन नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि सड़क तो बनी हुई है लेकिन है सुनसान। तो इर्द गिर्द जब फुलवारी लग जाती है तो वही सुनसान सड़क रौनक वाली हो जाती है। कैसे होगा? पानी पीने से होगा। और एक बात और बता रहा हूं, जिन लोगों का पेट खराब रहता है वो स्मार्ट नहीं हो पाते, तो पेट को ठीक करने के लिए क्या करें? यदि आपको कब्ज रहता है तो स्मार्टनेस पे फर्क पड़ेगी, क्योंकि स्किन में रूखा पलाएगा, कितना मेकअप लगा लें वो सब दिखता है। बेल का गूदा रात में खाके सो जाया कीजिए, खाने से, सोने से तकरीबन 3 घंटे पहले से खा लेना चाहिए, या फिर उसका शरबत पी लिया कीजिए, या उसका चूर्ण का इस्तेमाल कर लिया कीजिए। कब्ज दूर करने के लिए चिकित्सक सलाह भी ले लीजिएगा अगर बहुत ज्यादा है तो। ढेर सारा पानी, कम से कम 4 लीटर, मैंने अभी बताया कि कितना पानी आपके शरीर में होना चाहिए। अच्छा, मैं एक दिन पानी पे पूरा एपिसोड करता हूं, तो ढेर सारा पानी आपने पी लेना है। पानी पीने से शरीर में कांति आती है और आंखें बहुत अच्छी होती चली जाती हैं। और एक खास बात, थोड़ी देर मन को शांत कर दीजिए, अपने दुश्मनों को माफ कर दीजिए और ध्यान कर दीजिए, खुद देखेंगे कुछ दिनों के बाद अद्भुत आकर्षण और तेज आपके चेहरे पर छलकने लगेगा।
ये हैं वो चीजें, ये हैं वो टिप्स जो आपको लाभ देती हैं। चलते चलते एक खास बात, अगर दोस्त ना बन रहे हो तो टर्कोइज आज से 10 रत्ती का चांदी में एक कौड़ी के साथ मिलाकर अपने गले में पहन लीजिएगा, सब अच्छा होगा। मित्र भी आपसे प्रभावित होने लगेंगे और आपके मित्र बनने भी लगेंगे। चलो खुश रहिए, खुश रखिए, प्रभु आपको बहुत सारी खुशियां दे, बहुत सारा आकर्षण दे, जिससे आप अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपने तेज से लोगों को सम्मोहित कर लिया करें। दादा नमस्कार।